नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आँखों के बिना हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है, इसीलिए हम आँखों का खास ध्यान रखते हैं। जो हमारी आँखें हैं वो आराम किए बगैर दिन रात हर दिन काम किए जाते हैं। तो आज हम आँखों से जुड़ी आपको कुछ और जानकारी देने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब ऑर्गन ऑफ द आई, यानी आँखों का उपंग। यह आँखों का उपंग मतलब क्या है, इससे अगर परेशानी हो जाती है तो हमें ज़िंदगी में क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसका क्या कुछ इलाज है, इस बारे में आज हम स्वामी जी से बातचीत करेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वामी जी, आज हम सब ऑर्गन ऑफ द आई के बारे में बात कर रहे हैं, तो सब ऑर्गन ऑफ द आई मतलब क्या है, अगर इससे परेशानी हो जाती है तो हमें ज़िंदगी में क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आपके अस्पताल में इसका कोई इलाज है? नमस्कार प्रेमियों, आज का विषय है उपंग का, आंखों का उपंग के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें है पहला कॉर्निया है, सेकेंड इरिस है, थर्ड पिपल है, चौथा लेंस है, पाँचवा रेटिना है, छठा ऑप्टिक नर्व है, सातवां स्क्लेरा है, आठवां कंजक्टिवा है, नवां देखेंगे तो कैरोइड है और दसवां आईलिड और आईलैशेस है। तो ये जो जितने भी हमारे उपअंग हैं, ये हमारे लिए अच्छा रोशनी देने के लिए काम करता है और कलर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें सपोर्ट करता है, और इसके अलावा ये जो फार साइटेड है या नियर साइटेड है वो पूरा आपको अच्छा विजन मिलेगा, दूरी का भी और पास का भी आपको अच्छा विजन मिलेगा, उन सब के लिए ये आंखें हमें सपोर्ट करती हैं। इन 10 उपअंग में कुछ भी एक उपअंग जो क्लॉट हो जाती है या एज के कारण, उम्र बढ़ने के कारण कभी कभार उसमें ब्लड सर्कुलेशन या न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन नहीं मिलते, या कभी कभार वहाँ पर इंजरी हो जाती है या ग्लूकोमा हो जाती है या कैटरेक्ट हो जाती है, इन सब दुविधाओं के वजह से आपकी आंखों में रोशनी कम पड़ सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आर्टरीज के द्वारा उनको सही करवाते हैं। जैसे हमारा एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी करके आती है, जो मेन आर्टरी होती है यहाँ पे गर्दन की ओर, उसको उसके साथ जो ब्रांचेस आर्टरीज जो हम कहते हैं, तो उसमें पहला जो आर्टरी आता है ऑप्टिमल आर्टरी आता है, जो आपको रेटिना की ओर भी जाता है और उसको रोशनी अच्छा देने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड करता है, और जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उसके स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए ये ऑप्टिमल आर्टरी हमें काम आती है। दूसरा है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो हम कहते हैं, वो ऑप्टिमल का एक ब्रांच आर्टरी है, और वो क्या करता है, रेटिना को अच्छा से एक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस वो प्रोवाइड करता है, और रेटिनल सेल्स को भी अच्छा वो आपको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई करवाता है। ये तीसरा जो आर्टरी है वो पोस्टीरियर से सिलियरी आर्टरी हम कहते हैं, जो ऑप्टिमल आर्टरी का एक अंग है, और ये कैरोइड आर्टरी के लिए ब्लड वेसल्स के लिए आपको ब्लड सप्लाई करने के लिए ये सपोर्ट करता है। और दूसरा, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो स्क्लेरा और रेटिना के बीच में जो है उसके लिए ये सेंट्रल सिलियरी आर्टरी काम आती है, और वहाँ पे उसको ऑक्सीजन और ब्लड भी सप्लाई करता है। और चौथा है एंटीरियर से सिलियर आर्टरी, तो ये एंटीरियर सिलियर आर्टरी भी ये एक स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ऑप्थाल्मिक आर्टरी हम कह सकते हैं, और ये भी आपको खून की दौड़ को अच्छा बढ़ाता है आँखों के अंदर, और कंजक्टिवा और स्क्लेरा और ये मसल्स, इन सबको ये ताकतवर बनाता है। इस तरह से ये जितने भी आपके ये आर्टरीज हैं, तो ये आर्टरीज को हम जब मैनिपुलेट और स्टिमुलेट करते हैं तो उससे रक्त संचालन आपका अच्छा बनने लगता है, जो भी ब्लड क्लॉट हो या ब्लॉकेजेस हो या इन्फ्लेमेशन हो, उन सबको ये दूर कर देती है हमारी मैनिपुलेशन और स्टिमुलेशन, और जो भी आर्टरी अकल्शन होता है या स्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, इन सबको ये कामयाब करवाती है ऐसे रोगों को, और आपका विजन लॉस नहीं बनेगा, सडन विजन लॉस नहीं होगा या ब्लड विजन नहीं होगा या विजुअल डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा। तो इस तरह से आप लाभदायक हो सकते हैं इन आर्टरीज को मैनिपुलेट और स्टिमुलेट करवा के, और ज़रूर आप आइए, अनुभव लीजिए, आपकी आंखों की रोशनी वापस पाइए। धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी, हमें आंखों के उपअंग के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए।
तो दोस्तों आपको भी अगर आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप उसके इलाज के लिए श्री परिपूर्णा सनातना चैरिटेबल आयुर्वेदा अस्पताल आ सकते हैं। आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।